हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं गाइस आप लोगों को पूरी अपडेट देने वाला हूं, जो कि लास्ट वीक का कुछ अपडेट था और कुछ इस वीक का अपडेट है। तो मैंने सोचा कि ये कंबाइंड वीडियो बनाया जाए। काफ़ी टाइम से हो गया था मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे टाइमिंग नहीं मिल पा रहा था, कुछ इशू थे, तो एक ही वीडियो डाल पा रहा था। जो इन्फॉर्मेशन थी थोड़ा डिले हो जा रही थी, नेक्स्ट डे बता रहा था या फिर थोड़ा सा एक दो दिन बाद ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पा रहा था, सॉरी गाइस उसके लिए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जितनी भी ऑनबोर्डिंग थी, जितनी भी ज्वाइनिंग थी, जितनी भी कुछ भी अपडेट था, एम्फेसिस हो गया है हमारा, विप्रो का बिल का अपडेट हो गया है, ऑनबोर्डिंग अपडेट हो गया हमारा, एसेंचर का इंटरव्यू मेल हो गए हैं, माइंडट्री के 3 अगस्त ज्वाइनिंग हो चुका है, डॉक्यूमेंट लास्ट डेट, TCS एक्सप्लोर ज्वाइनिंग 28 अगस्त अपडेट। तो पूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी ये चीज़ें, जितनी भी कंपनियाँ हैं, सबकी अपडेट गाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ। जेंसर का भी कुछ छोटा मोटा भी कुछ अपडेट भी अभी तक नहीं आया है कि नहीं आया है, उसकी भी अपडेट देने वाला हूँ गाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट अच्छा आ रहा है गाइस, आप लोग वॉच कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ में। जितना शेयर करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, जितना ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ में, जितने भी हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। तो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हर एक पॉइंट एम्फेसिस की ज्वाइनिंग है, जो कि 17 अगस्त का मैंने वीडियो भी डाला था, उसके बारे में बताया था, कुछ कैंडिडेट थे उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आई थी। देखिए तो इस टाइप का मेल था, कुछ आया था BAR इनिशिएटिंग और ऑनबोर्डिंग टू एम्फेसिस, योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 17 अगस्त 2023, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट समथिंग जो भी है। तो गाइस जितने भी एम्फेसिस के कैंडिडेट हैं, अपनी मार्कशीट्स हैं जो भी 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ में आप लोग अपने पास रख लीजिए, साइन करा लीजिए, अटेस्टेड करा लीजिए अगर आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कुछ भी अभी नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं रिजेक्शन कर रही हैं, TCS है जो कि ये रिजेक्ट कर रही है कैंडिडेटों को जिनके पास में 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट नहीं है। तो मैं हर एक वीडियो में इसके मैं आप लोग बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और जो कि आपके बैकग्राउंड वेरीफिकेशन रिलेटेड। तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम ना है इसलिए मैं बताता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, गाइस आप लोगों को बताता हूँ, एक एसेंचर का भी अपडेट आया था रिसेंटली में एसेंचर का, कि उन्होंने एक सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन इंटरव्यू राउंड, वी विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड कीप यू पोस्टेड ऑन नेक्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो गाइस एसेंचर का एक इंटरव्यू राउंड हुआ था, तो उसमें क्या है, बहुत सारे कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट लिया था, तो वहाँ पर कुछ अपडेट आई थी कि उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू की जो कि एक्सपीरियंस है थ्रू द शॉर्ट सर्वे के थ्रू आप लोगों को देना था वहाँ पे, और हाँ अगर कुछ भी अपडेट आता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेटर के अकॉर्डिंग, तो 10 से 15 डे में आप लोगों को बता दी जाएगी। काइंडली डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, OTP, लॉगिन, असेसमेंट, ऑल दिस जो भी सब चीज़ें हैं, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं आप लोग क्या है। और भी इन्फॉर्मेशन आई थी बिल्प के रिगार्डिंग, काफ़ी टाइम के बाद बिल्प के अपडेट आई है हमारे 23 मई के बाद में, जो कि बिल्प के जो कि ग्रीन ऑडिट में कैंडिडेट थे उनके पास में कोई अपडेट नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बिल्प के। और रिसेंटली में आपने अभी ये भी देखा होगा कि बिल्प की अभी एक न्यू हायरिंग भी आई हुई बिल्प की तरफ से, विप्रो की तरफ से, तो उसके बारे में भी गाइस मैं पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बिल्प के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन विप्रो बिल्प वर्क कैंडिडेट लर्निंग प्रोग्राम, एज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड सर्टेन डॉक्यूमेंट एंड बैकग्राउंड वेरीफिकेशन। तो देख लीजिए सभी कंपनियों में बैकग्राउंड वेरीफिकेशन सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल रही है, तो गाइस सभी कंपनियां हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये सेशन जुलाई है, जुलाई में मोस्टली सभी के ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, सबके मार्कशीट आ जाती हैं, सबके ग्रेजुएशन के टर्म्स जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन है जो भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए मैंने अभी बताया था 2023 कैंडिडेट के लिए बिल्प ने, जो कि विप्रो के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर पैन इंडिया के लिए लोकेशन के लिए इन्होंने दोबारा से जॉब निकाला है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CTCA 15,488 पर मंथ, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि वो भी क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। अब बात करते हैं LTI MindTree, थोड़ा सा ब्लर्ड है, LTI MindTree के अपडेट आया था, जो कि इग्नाइट प्रोग्राम थे, कैंडिडेट थे बहुत सारे, 3 से 4 ज्वाइनिंग हुई थी LTI MindTree की, एक ज्वाइनिंग और थी जो गाइस मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिशियली या किसी के थ्रू मिलता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पर उसका कंफर्मेशन नहीं है कि वो रियल है कि फेक है, कि 19 अगस्त को भी शायद इग्नाइट के कुछ बैच के कैंडिडेट हैं उनके पास है, तो शायद अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, कुछ शेयर करते हैं तो उसी के थ्रू मिलती है। तो 3 अगस्त को जो कि होने वाली थी इग्नाइट की प्रोग्राम, जो कि कल हमारा 24 जुलाई के पहले जाना था, तो गाइस ये देखिए 3 अगस्त के बाद में जैसे कल कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस ये हमारी इग्नाइट की, उसके बाद में एक ना एक कोई ना कोई अपडेट फिर से आएगी, जो गाइस रिमेनिंग कैंडिडेट थे जिनके पास में अपडेट नहीं आया था LTI MindTree का, तो गाइस वो लोग वेट नहीं करें और बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं TCS एक्सपोर्ट की, अकॉर्डिंग 28 अगस्त की भी ज्वाइनिंग आएगी TCS एक्सपोर्ट डिजिटल कैंडिडेट के लिए, तो गाइस उसका मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक IT स्टेप्स के वीडियो बनाता हूं बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूं, कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो, क्योंकि कुछ जो सिचुएशन से आप लोग जा रहे हैं वो सिचुएशन से मैं भी गया हूं, मैं भी हूं, वही सेम चीज़ है। तो गाइस ये चीज़ है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, अपडेटेड मिलता जाए, सब चीज़ें हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, ज्वाइन भी कर लेंगे चैनल तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। हाँ, कमेंट सेक्शन में, कमेंट में अगर थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि सबके साथ में एक साथ कमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू भी कोशिश करूँगा बताने के लिए, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट के क्वेश्चन जी कमेंट भी सेक्शन में ही आप लोगों को रिप्लाई दे दूँ। कोशिश करता हूँ कि जिससे आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान जय किसान। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।